ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्र स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने गौड़पादीय मांडुक्य कारिका के अलग शांति प्रकरण से 95 कारिकाएं पढ़ ली थी और आखिरी कारिका थी कि जो अजो साम्य ब्रह्म में ज्ञान में सुनिश्चित हो जाते हैं वे इस दुनिया में महाज्ञानी है और बाकी के लोग उनको नहीं समझ पाते या उनकी गहराई नहीं समझ पाते। उसके बाद 96 करेगा। अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम्। कभी एक अजेशु मैंने अजन्मा आत्माओं में अजम ज्ञानम ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं, ज्ञान भी वो अजय है। इसलिए असंक्रांतम धर्मेशु माने आत्माओं में, अजेशु धर्मेशु, अजेशु विशेषण हो गया, अजेशु धर्मेशु असंक्रांतम ज्ञानम अजम इष्यते। असंक्रांतम माने किसी विषय के कारण जो उत्पन्न नहीं हुआ है। हमारा ज्ञान विषयों से हमारे पास आ रहा है ना, या हम विषयों से जाकर के ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। महाज्ञानी तो उनका बताया जा रहा है, उनका महाज्ञानी तो कैसा है, उनका ज्ञान कैसा है, अजय ज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान है, उनका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। इसी विषय को जाकर के ज्ञान नहीं पाया उन्होंने, इसी विषय से ज्ञान नहीं पाया उन्होंने, क्योंकि अगर उनको विषय दिख रहे हैं तो उनको विषय नहीं दिख रहा, उनको तो खुद ही दिख रहा, उनको तो एक ही ज्ञान सर्वत्र दिख रहा। ज्ञान के रूप हो सकते, उसमें उनको क्या। इसलिए विषय विषय ज्ञान को संक्रमित ज्ञान कहते हैं, विषय के संस्पर्श से वो ज्ञान आया है। क्या हम विषय को गए होंगे ज्ञान पाने, या विषय हमारे पास आया होगा, पर ऐसा विषय विषय संपर्क से जो ज्ञान आया ऐसा नहीं उनका ज्ञान, उनका महाज्ञानी तो किस प्रकार का ये बताया जा रहा है। पिछले कार्यक्रम में जो होता है तो महाज्ञानी है। महाज्ञानी कैसे होते हैं, जिनका ज्ञान किसी विषय से आया हुआ नहीं रहता है, उनका ज्ञान किसी विषय के प्रति जाता नहीं है, दोनों तरफ से। अब विषय से न आने वाला जो ज्ञान है, ये तो न क्रमते ज्ञानम, ज्ञान उनका विषय से नहीं आ रहा है, या उनका विषय पर नहीं जा रहा है, इसलिए वो असंग है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है हमारे सामने तब तो हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है, उनका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं उनके लिए। ज्ञान की दृष्टि से बात है, ऑब्जेक्ट नहीं माने उनके ज्ञान में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, फिर तो असंग हो गए। ये महाज्ञानी तो उनका जो महाज्ञानी तो किसी स्कॉलर पंडित का नहीं है। स्कॉलर पंडित तो विश्व में आसक्त रहता है सब। जितना बड़ा स्कॉलर होगा, जितनी पांडित्य होगी ना, उतनी ही आसक्ति होगी उसकी, बहुत विषय मालूम है। जितने विषय मालूम है उतने विषयों में आ सकती हूँ, अच्छे लगते ही। नारद जी की क्या अवस्था हो गई, नंद कुमार के पास जब आए तो
दुनिया का हर किस्म का ज्ञान था उनके पास, पर अतृप्ति बढ़ती जा रही थी। जितना ज्ञान पा रहे थे अतृप्ति बढ़ती जा रही थी। मुझे एक उदाहरण मन में आ रहा है, लेना कि नहीं, क्लास में मैंने रेफर किया, यहाँ लेने में हर्ज नहीं, वो आदमी दुनिया में नहीं रहा। नागपुर में एक पंडित थे नारायण शास्त्री द्रविड़, वो मैंने अंग्रेजी मॉडर्न मेथड से पीएचडी डिलीट थे संस्कृत में, और शास्त्री आचार्य उधर से भी पूरे पड़े हुए थे, और फिलोसॉफी में इतनी एक्सपर्टाइज थी उनकी, मैंने ईस्टर्न वेस्टर्न कोई फिलोसफी ऐसी नहीं जो उनको मालूम नहीं। एक उदाहरण से बता रहा हूँ, एक पुस्तक है वो क्लेम कर रहा है अंग्रेजी में 500 पेज की इंट्रोडक्शन और 250 पेज की कविताएं, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने नई फिलोसफी नहीं। अब रिव्यू करने के लिए आई जीवन विकास में, मैंने देखी देखी और बोला कि द्रविड़ शास्त्री भेज दी, उन्होंने तीसरे के चौथे दिन रिव्यू करके भेज दिया। इतनी बड़ी पुस्तक, इसमें नया कुछ भी नहीं है। फारसी लोगों में जो द्वैत है गॉड एंड डेविल, वही यहाँ पर है और कुछ नहीं। इंडियन में सर बाल बच्चा हर साल एक बच्चा, आश्रम के प्रति इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट था। वो आश्रम की लाइब्रेरी में आज कोई मुझसे सर्वण लोग मालूम नहीं होता, अरे कौन आ गया अंदर घुस गए, वो अंदर घुस गए, अरे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अगर कोई नई पुस्तक आई है हमको सजेस्ट करके ले जाएंगे, ये ले लो, और हमारे लाइब्रेरी की पुस्तकें लेके बोलेंगे। उनकी विद्वत्ता तो हर पार, इसलिए महाज्ञानी तो क्या होता है समझ। जो मैं बार बार कहता हूँ तुम लोगों के सामने भी कर, मैं हमेशा ही कहता हूँ, कल मैंने व्यक्तियों में क्लास में भी कह दिया, मुझे कोई स्कॉलर कहते तो मुझे इंसल्ट लगता है, मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। चंचू क्या न्याय, चंचू ये चंचू और क्या महाप्रस्थान अंतर है, मैंने नहीं देखा। तो माँ ज्ञानी तो किस प्रकार का है ये बताया, उनके ज्ञान में कोई विषय नाम की चीज नहीं है। अब इससे दूसरा एक कंक्लूजन निकलता है, जो मांडुक्य कार्यक्रम में वो तो प्रोत देख रहे, अलग से नहीं देख रहे, वो तो प्रोत देख रहे, वो है प्यार और भक्ति। शुरू में कहा था कि इसके लिए इतना बड़े दिल की आवश्यकता है मांडुक्य को, बोलने अपने आप ही होता है संकुचित, कहीं के संकोच का सवाल ही नहीं है। असंगम तेना कीर्तितम, इसलिए तेना माने इस कारण से उनको असंग करके उनको बताया गया है। आचार्य करे कथम महाज्ञानित्वम इत्या, महाज्ञानित्व कैसा है उनका ये बताया जाएगा। अजेशु अनुत्पन्नेशु अचलेशु धर्मेशु आत्मसु, अजेशु मने जो उत्पन्न नहीं हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है स्वरूप में, ऐसे धर्मेशु मने आत्माओं में, अजम ज्ञानम अजम अचलम च ज्ञानम इष्यते, ज्ञान वो अचल है, मैंने कोई विषय बदल गया कि ज्ञान बदल गया ऐसा नहीं है, वो एक ही ज्ञान है। सवितरी वो उष्णम प्रकाश, एक ही इसकी उपमा है कि सूर्य की गर्मी और सूर्य का प्रकाश, ये जल नहीं है जैसे सूर्य है उसके साथ प्रकाश है और स्वरूपभूत है उसका, यथा ऐसा है इसलिए तस्मात इस कारण से असंक्रांतम अर्थांतरे ज्ञानम अजमिष्यते, असंक्रांतम अर्थांतरे, यानी कोई एक विषय उनसे अलग है उसमें वो ज्ञान जा रहा है, इसको ग्रहण कर रहा है ज्ञान में, ऐसा नहीं है। यस्मात् न क्रमते अर्थांतरे ज्ञानम,
क्योंकि वो ज्ञान दूसरे विषय में नहीं जाता उनसे। तेन कारण तेन कार्य तेन कारण असंगम तत्कीर्तितम आकाश कल्प जीव। दोनों उदाहरण एक साथ ही आ गए एक ही कार्यक्रम। आकाश और सूर्य सर्वे अपित्व के लिए आकाश, प्रकाशवान के लिए सूर्य। इसलिए आकाश जैसा वो ज्ञान का असंग बताया जाता है। बहुत एक इम्पोर्टेंट कार्य कर रही है सारे दुनिया के फिलोसोफर्स के लिए, सारे वेदांत को छोड़कर, अद्वैत वेदांत को छोड़कर। अणुमात्र भी वही धर्मे जायमाने अविपश्चित असंगता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युति। विशेष करके सांख्य पतंजलि योग के लिए अलग हो रहा है। अगर ब्रह्म से कुछ भिन्नता अणुमात्र भी भिन्नता हमने ग्रहण की है, द्वैत विश्व द्वैत बुद्धिस्ट सारे सारे फिलोसोफर के पुजारी है कि एकमेव अद्वितीय रियलिटी, इससे अलग जरा भी हम हुए हैं ज्ञान में। अद्वैत प्रकरण कहते हैं तो कृपण हो जाते हो आपस में। ब्रह्म को अगर न मानो सांख्य भी नहीं मानते, आपस में हमें जरा भी अगर भेद बुद्धि है तो उसकी असंगता परमानेंट नहीं हो सकती। आवरण च्युतियों के ज्ञान होना तो दूर की बात। ये स्टेटमेंट बोल्ड स्टेटमेंट। उसमें एक शब्द सदा, यानी कभी कभी उसको आना सकती जैसी लगेगी, वो परमानेंट आना सकती नहीं होगी। अगर हमसे अलग कोई चीज है तो हम मन चिपकेगा, हमको वैराग्य में हो गया तो मन पीछे खींचेगा। स्लाइटेस्ट डिफरेंस अगर हमने एक्सेप्ट किया, ब्रह्म से बोलो, भगवान से बोलो, किसी से बोलो, हमारी परमानेंट अनाशक्ति नहीं हो सकती। और पहले तो परमानेंट अनाशक्ति की फिर ज्ञान होगा ना, पतंजलि योग या सांख्य के अनुसार, तो फिर उसके तो बात दूर है। वो तो आवरण च्युति। बार बार मुझे वो भी कनेक्ट हो रही मन में पिछले, ये आवरण च्युति विवेक चुड़वणी का विषय, ये विवेक है। मेरे ऊपर क्या आवरण है उसको निकाल देना ही तो विवेक है। तो आवरण च्युति इम्पॉसिबल है, दूर की बात है। अगर सदा असंगता नास्ती, आचार्य कह रहे इतो अन्य शाम वादिनाम, मैंने अभी तक बताया, महाज्ञान तो बता दिया, इनसे अलग जो भी वादी है, अणुमात्र अपनी वैधर्मे वस्तुनि बहिरंतरवा। बहिरंतरवा वेदांत को क्या कहते हैं, उन्होंने सजातीय विजातीय और क्या अमुक अमुक भेद रहे, हाँ अंदर बाहर सजाती हो जाती है, इसी प्रकार का भेद एडमिटेड नहीं है। इसलिए कह रहे कि यानी ब्रह्म के भीतर सारी दुनिया है, ब्रह्म के भीतर कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से बाहर कोई दुनिया है इम्पॉसिबल है, सजाती है। यानी ब्रह्म जैसा और एक ब्रह्म है इम्पॉसिबल, ब्रह्म से अलग कोई ईश्वर से अलग कोई देवी ले ये भी पॉसिबल नहीं। इसलिए सजातीय विजातीय नाम टेक्निकल याद नहीं रहे, अंदर और बाहर कोई भेद नहीं। स्वगत विगत, स्वगत भेद विगत भेद, सजातीय विजातीय भेद ये नहीं है। इसलिए कह रहे बहिरंतरवा जायमान उत्पद्यमान है, माने ब्रह्म में नहीं है ना, ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है कहते हैं, तो ब्रह्म से उत्पन्न कोई भेद नहीं है। अगर अविपश्चित हो, मैंने इन सबको एक डिग्री दे दी अविवेकी, सुंदर हो रहा है, कोइंसिडेंस आ रहा है, मैं इसको एक चुड़मनी क्लास में बोल करूंगा, इसको अविवेकी बोला है। तो जड़ चेतन का भेद करने में पड़ जाए, अरे जड़ चेतन में भेद किया तो वेदांती क्या हो, तो सांख्य हो गए फिर। जड़
जड़ चेतन का भेद एलिमेंट्री चीज है। हम जिसको जड़ कह रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पर जब तक हमको जड़ चीज दिखाई दे रही चेतन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भेद करना पड़ता है। परोक्षानुभूति में यह सब्जेक्ट आ गया है कि आपका सांख्य जैसा भेद कर रहे क्या, तो उनका नहीं, तुमको चेतन दिखाई नहीं पड़ता इसलिए जड़ को भेद कर। एक बार चेतन दिख गया कि बोलेंगे कुछ रियल ही नहीं उसके छोड़ देंगे, ये भी एक चुड़ा। इसलिए कह रहे ये अविवेकिना असंगता असंगत्वम सदा नास्ति किमुत वक्तव्यम आवरणच्युति बंधनाशो नास्ति इति। आवरणच्युति माने बंधनाश मुक्ति, आवरणच्युति माने पूर्ण ज्ञान माने मुक्ति, बंधनाश ये नहीं है। अब क्या इसमें फिर डिफिकल्टी, अद्वैत वेदांत को एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है ना, रोड पर किए जा रहे। अच्छा फिर मैंने आवरण नाम की एक रियलिटी है, ऐसा नहीं हो रहा है क्या, तुम आवरण एक्सेप्ट करते हो क्या? अलब्ध आवरण सर्वे धर्म प्रकृति निर्मला आदो बुद्धा तथा मुक्ता बुद्धंते इति नायका। स्वीट लगती मुझे लैंग्वेज वो, पहले प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव स्वरूप से तो सारे आत्मा में कोई आवरण है ही नहीं, पहले से ही ज्ञानी है सारे लोग, फिर भी अज्ञान से ज्ञान में आना ऐसी नाम की एक चीज है। ये नायक लोग, नायक माने लीडर्स ऑफ वेदांत, नायक लोग कहते हैं कि हम कहते हैं वो ज्ञानी हो गया, तो ज्ञान तो स्वरूप है आदमी का, ज्ञानी क्या हो गया, पर एक अज्ञान नाम की चीज हमारे मैंने क्या है कि फैक्ट ऑफ लाइफ, रियलिटी और फैक्ट ऑफ लाइफ। रियलिटी में तो ज्ञान है नहीं अज्ञान, पर फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हम भूल सीख रहे, इसलिए कहते ज्ञानी हो गए। सूर्य चमक रहा है, बोले सूर्य तो चमकता ही है, तेषाम आवरण च्युतिर नास्ती थी गुरुवताम स्व सिद्धांत अभ्युपगतम तेरे धर्मानाम आवरण। उनका आवरण च्युत नहीं होता है कहते तो तुम्हारे सिद्धांत में आवरण मानते हो, नहीं थी उच्चते ऐसी बात नहीं है। अलब्ध आवरण अलब्धम अप्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधनम येषाम, अविद्यादि बंधन या आवरण है ही नहीं ते धर्म अलब्ध आवरण बंधन रहता इति अर्थ नित्य मुक्त है ना आत्मा। अब ये सुबह के उद्योग गीता के बाद अवधूत गीता पढ़ने वाले वहां ये सब आता है। प्रकृति निर्मला स्वभाव शुद्ध, ये ठाकुर कितना स्ट्रेस देके कहते हैं ना, अपने को बद्ध माने को बुद्ध हो जाएगा, मुक्त माने को मुक्त हो जाएगा। आदो बुद्ध तथा मुक्त, शुरू से ही बुद्ध मुक्त है, यस्मात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, आत्मा का स्वरूप स्वभाव ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। यदि एवं कथम तरी बुद्धंते इति उच्यते, ऐसा है तो वो ज्ञानी हो गए, ज्ञान हो गया, ऐसा क्यों कहते हो? नायका स्वामीना समर्था, मैंने जो लीडर्स हैं समर्थ जो है वो कहते हैं बुद्धम बोध शक्तिमत स्वभाव इति अर्थ। नायका का एक्सप्लेन कर रहे हैं, लीडर्स नायक को हम लीडर मानते हैं, बोध शक्तिमत स्वभाव ज्ञान की शक्ति जिनमें स्वरूप में है वो। सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य का कभी बिना चमका होता है क्या? फिर भी हम कहते हैं ना सूर्य चमक रहा है, ऐसा है, ऐसा कथन है हमारा। यथा नित्य प्रकाश स्वरूप भी सविता प्रकाशते इति उच्यते, यथा वा हम कहते हैं पहाड़ स्थिर है, तो पहाड़ कहीं चलते है क्या? पहाड़ स्थिर होता ही है, फिर भी हम कहते हैं ना पहाड़ स्थिर है, तो ये स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं हम, कुछ अचीवमेंट नहीं बता रहे।
यथा नित्य निवृत्त गतयो, माने इसमें गति है ही नहीं, नित्यमेव शैलास्तिष्ठन्ति इति उच्यते, ये भाषा का प्रयोग है। प्रकृति तो निर्मल है, पर निर्मल है कहते हैं। क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद् बुद्धेन भाषितम्। या बुद्ध का प्रत्यक्ष उल्लेख पहली बार है। अब तो बुद्ध शब्द प्लूरल आ रहा था, ज्ञानी जनों के अर्थ में बुद्ध शब्द आ रहा, अब ये बुद्ध पर्सन का यहाँ रेफरेंस है। और इसमें एक शब्द आ रहा है ताइना, मैंने ज्ञानी को ताइना कह रही, शंकराचार्य उसको खींचतान करके अर्थ निकालेंगे, पर जानकार लोगों का कहना है चीन में ताओ नाम के बड़े फिलोसोफर थे, उनका रेफरेंस है ये। उन दिनों में ज्ञानियों में आपस में सब मेल मिलाप रहता था, गोड़पो जी जानते हैं। हमारे शिवतत्वानंद जी के उर्मुखी ज्ञान से हमें मालूम है। और बुद्ध का भी नाम है यहाँ पर, बुद्ध का ज्ञानी के अर्थ में लेंगे शंकराचार्य। अरे मेरा जो सॉल्यूशन है ना वो मिल गया मुझे, बताता हूँ। ठीक है, बुद्ध का जो ज्ञान है, ताओ का जो ज्ञान है, ताई ताओ जो बोलना है तुम, उसका जो ज्ञान है वो क्रम नहीं, मैंने उदाहरण दे रहे हैं इसे समझ। महाज्ञानी का ज्ञान कहीं क्रमता नहीं है बोला था, तो एक उदाहरण दे रहे। बुद्ध का जो ज्ञान है या ज्ञानियों का जो ज्ञान है और ताई लोगों का जो ज्ञान है, ये कहीं क्रमता नहीं है। और उनके ज्ञान में सारे आत्मा वैसे ही, सारे आत्मा ही ज्ञानी है परमानेंट। फिर कहते यह बात बुद्ध ने नहीं बताई। ऋषि की चर्चा करो, इसमें तीन शब्द आ रहे हैं अर्थ वाले, यह बात बुद्ध ने बताई नहीं। फिर पूरा तब होगा इसका जवाब दोगे, तो बुद्ध ने नहीं बताई तो किसने बताई, गोटपा जी कहां से ला रहे, वहां चढ़ के उपनिषदों में बताई। फिर दूसरा ये सवाल बनेगा, बुद्ध ने अगर ये बात नहीं बताई तो बुद्ध ने क्या बताया, तो आचार्य कह रहे बुद्ध ने इस ज्ञान के बिल्कुल निकट वह तक हमको लाके दिया कि जो विज्ञान मात्र है, बाहर दुनिया बिल्कुल नहीं है, खाली हमारा विज्ञान है, इतना तो बुद्ध ने ला दिया। एक स्टेप रह गई कि रह गया नहीं है। अब इसमें तीसरा भी बन रहा है, तीन शब्द है ना, दो शब्द बदल बदल के हमने इसको पूर्ण किया। बुद्ध ने यह चीज नहीं बताई, किसने बताई, बुद्ध शब्द बदल करके हमने इसका एक्सप्लेन किया। यह चीज नहीं बताई तो क्या बताया, यह चीज को बदल दिया, अब बताई को तो नहीं बदल सकते। बुद्ध ने यह चीज नहीं बताई तो क्या किया, बुद्ध ने यह चीज रियलाइज कर ली पर बताई नहीं, तब यह पूरा होता है। यहां तो कह रहे हैं कि बुद्ध का ज्ञान क्रमता नहीं है, मुझे लगता है गोटपा जी इसको अच्छी तरह जानते थे, अभी मुझे श्रेय पड़ा। बुद्ध ने यह चीज जान ली पर बताई नहीं, बस ये तो कह रहे हैं। इसमें ताई जो शब्द है वो चाइनीज दार्शनिक ताओ के लिए, देखते हैं आचार्य क्या कहते हैं। यस्मात् नहि क्रमते बुद्धस्य, अब आचार्य बुद्ध का अर्थ तेरे परमार्थ दर्शन हो, पर यहां सिंगुलर यूज है, इतने याद रखना। ज्ञानम विषयांतरेषु धर्मेषु धर्म संस्थान
सवितरी व प्रभा, ठीक है। क्योंकि बुद्ध का ज्ञान संक्रमित नहीं होता, माने विषय का अलग से उसका स्पर्श नहीं होता। धर्म संस्थम माने आत्मा में ही रहता है वो ज्ञान, जैसे सवितरी व प्रभा, सूर्य की जैसी चमक। ताई ना का अर्थ समझा रहे, तायो अस्य अस्ति इति ताई संतानवतो, जिसमें ताय है वो ताई है। ताय माने कंटिन्यूटी, संतानवतो निरंतरस्य आकाश कल्पस्य इति अर्थ। जो सर्वव्यापी है, आकाश कल्प है, आकाश जैसा है, उसको ताई कहा है। ईशान के अर्थ निकल रहे हैं ना, अर्थ निकल रहा है। और वो बुद्ध माने बुद्ध, ये ताई माने ताओ। तायो अच्छा स्थिति ताई संता, बीच में कहीं गैप नहीं है इसमें वो, इति अर्थ। अब आचार्य ताई शब्द का और अर्थ बता रहे, पूजा वो तो हुआ, प्रज्ञा वो तो हुआ, या तो पूज्य है हमारा, ताई का अर्थ हो रहा है परम पूज्य, या प्रज्ञावत महाज्ञानी। ताई शब्द का अर्थ जिसका ज्ञान आकाश कल्प है, जो पहले कहा था ज्ञाने न आकाश कल्प, तो वो पूजा पूज्य है, ज्ञानी है। सर्वे धर्म आत्मानो अपि, बुद्ध का वैसे मैंने वाक्य का नहीं ऐसा मत बोलो, सारे आत्मा वैसे ही है। तथा ज्ञानवद माने ज्ञान वाले, सारे आत्मा ज्ञान वाले है। आकाश कल्पत्वात् न क्रमते कचित अपि अर्थांतर इति अर्थ, उनमें कोई भी एक अलग से विषय निकल के उसमें टच नहीं हो रहा है। हम विषय देखते खुद को ही बाहर देख रहे। आदो उपन्यासतम आगे वो आकाश कल्प ज्ञान पहले बोला था ना इस प्रकरण के शुरू में, यद आदो उपन्यस्तम ज्ञानेन आकाश कल्पेन इत्यादि तदिदम आकाश कल्पस्य ताइनो बुद्धस्य। ताई और बुद्ध दोनों आकाश जैसे है। तद अनन्यत्वात् आकाश कल्पम ज्ञानम न क्रमते कचिदपि अर्थांतरे, उनको कहीं भी विषय की जरूरत नहीं है। तथा धर्म इति आकाशमेव अचलम अविक्रियम निरवयवम नित्यम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम अशनायादि अतीतम ब्रह्म आत्मतत्व। इसमें से ये निकला सब, आकाश जैसा अचल है, अविक्रिय है, पार्श नहीं है उसके, नित्य है, उसके लिए दूसरा कोई नहीं है, आसक्ति नहीं है, और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको देख नहीं सकते हम, उसको पकड़ नहीं सकते, वो भूख और प्यास से अतीत है, ऐसा ब्रह्म आत्मतत्व। नहीं दृष्टुर दृष्टिर विपरी लोको विद्यते इति श्रुते, माने ज्ञान शक्ति उसकी जो है उसका लोप नहीं होता है कभी, ऑब्जेक्ट रहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, ये अद्वैत तत्व हो गया ना। ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम, ये जो त्रिपुटी के परे जो अद्वैत तत्व हो गया ना रियलिटी, बुद्धे न भाषितम, ये बुद्धे और न अलग अलग छपाए क्या तुम्हारे इसमें? हाँ ठीक है, मेरे इसमें पता नहीं कहा इसी एडिशन में कहा से गलती आ गई, कोई सोने वाले प्रूफ रीडर मिल गए थे ये न समझने वाले। ये जो अद्वैत तत्व है ये बुद्ध ने नहीं बताया, ये गौड़पाद का स्टेटमेंट है। यद्यपि आचार्य कह रहे हैं बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना च अद्वय वस्तु स्वामिप्यम, इतना तो बुद्ध ने बता दिया, रिकॉग्नाइज कर रहे कि बाहर की वस्तु न होना, ज्ञान मात्र ही बाहर कल्पना करना, ये अद्वय वस्तु के बिल्कुल पास वाली चीज उन्होंने बता दी। ज्ञान मात्र बाहर की दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो गई है, अद्वैत तो हो गया, मन में चले वो बाहर दिख रहा है, मन मान लिया है, मन में चल मान लिया, पर यहां तक तो बता दे बाहर नहीं है। तो फिर इदम तो परमार्थ तत्त्वम अद्वैतम वेदांतेषु एव विज्ञेयम इति अर्थ हुआ कि ये परमार्थ जो तत्व है ये
ये उपनिषदों में ही मिलेगा। इसके साथ तो तीसरा जोड़ बुद्ध के रियलाइजेशन। अब होता है ना, चैतन्य के बारे में ठाकुर ने क्या बोला है कि हाथी के दांत भीतर के खाने क्या लोग होते हैं, दिखाने क्या लोग होते हैं। ऐसा भीतर में तो अद्वैत है उनमें। अब सारे चैतन्य के अनुयायी तो क्या मानते हैं, अचिंत्य भेद अभेद, वो भी अद्वैत वस्तु के समीप का ज्ञान है। ऐसे ये मानो, ठीक है। अब हम लास्ट कारिका पे आते हैं। दुर्दर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पदम अनानात्वम नमस्कुर्मो यथा बलम। और क्या कहा जाए, महाज्ञानियों की महाभक्ति। अब तक हमने कहा ना, भक्ति अनुच्छेद चल रही थी, प्रकट नहीं हो रही थी, अब ये प्रकट हुई है। पदम, पदम माने फाइनल गोल ऑफ लाइफ। दूरदर्शन यानी उसका दर्शन पाना, अभी नित्य नित्य सब कह रहे थे, पर प्रत्यक्ष लाइफ में उसका दर्शन पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का अर्थ बहुत डीप होता है, बहुत डेप्थ में। अति गंभीर हम बोला ही है, भयानक गंभीर है वो चीज। अजय है और साम्य है, मैंने ट्रांसेंडेंट इमानेंट है। विशारद माने प्योर, एब्सोल्युटली प्योर है वो, हमने जान लिया। बुद्धवा पदम, उसमें मेन क्या चीज जान ली, अनानात्व, मैंने दो अलग अलग है ही नहीं वहां पर। ऐसा जान करके हम यथाशक्ति नमस्कार करते हैं, दो नहीं है पर यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। इसका रहस्य क्या है बताओ ना, दो नहीं है जान करके हम यथाशक्ति नमस्कार करते। अरे हमारे मन में भक्ति उत्पन्न हो गई ना, हम झुकते हैं अपने स्वरूप के प्रति, झुकते हैं, क्या करेंगे। यानी ऑर्डिनरी इमोशनल डिवोशन जो होती है वो द्वैतपूर्ण होती है, उसे ऊपर उठ नहीं पाती हो। दो नाम मेरे सामने है, एक ऋषि नहीं है, एक ऋषि है। वही चैतन्य को एज चैतन्य जो समझते हो, और गंगर गुरु जी का नाम लेने पर मेरे ऊपर नाराज हो जाते, रवि ठाकुर। इतना इमोशनल प्यार का वर्णन है, एंडलेस। पर हमारे शिवतोत्तम जी कहते थे ये तो भाव अनुभव है, कोई अनुभव नहीं है, कवि का इमेजिनेशन है। कवि में इमेजिनेशन फैक्ट्री रहती है। वो वर्ड्सवर्थ, वह है ना, वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ रहे थे जब स्वामी जी को उनके प्रिंसिपल ने बताया समाधि के बारे में। एक्सकर्शन, वर्ड्सवर्थ की एक कविता, इसका नाम है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन किसी कहते मालूम है तुम लोग को, जैसे हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं, चलो बाहर की सैर करके आएंगे, इसको एक्सकर्शन कहते हैं। तो कवि ने कविता का नाम दिया एक्सकर्शन। यानी इस दुनिया में तुमको जिसका अनुभव नहीं होता ऐसी कुछ चीजें बताता है। उसको एक्सप्लेन करते में प्रिंसिपल ने स्वामी के क्लास में बताया, ये कवि लोगों को बीच बीच में समाधि जैसी अवस्था होती है, और उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे। वो करते हुए उन्होंने कहा, पर आजकल समाधि शायद किसी को होती नहीं है, एकमात्र मैंने दक्षिणेश्वर में देखी है। तुम लोगों को समाधि अगर जानना हो तो वहां जाके स्टडी करो। भविष्य में हमारे लोग वेद करते हैं कि ये इमेजिनेशन से होती है, कभी हाइटेंड इमोशन इमेजिनेशन। कीर्तन करते करते मन समाधि में चढ़ जाता है, उतना पता नहीं होता। ज्ञानियों की आचार्य कह रहे शास्त्र समाप्त, शास्त्र समाप्त।
परमार्थ तत्व स्तुत्यर्थम, ये देखो ना उस परमार्थ तत्व की स्तुति कर रहे हो, आप कुछ जान लिए उसको, उसकी स्तुति कर रहे हो। नमस्कार उच्चते, नमस्कार ये परमार्थ तत्व की स्तुति करने के लिए गौड़पाद नमस्कार बता रहे। दूरदर्शन दुखे न दर्शन वास्ते दूरदर्शन, क्यों दूरदर्श है? अस्ति नास्ति इति चतुष्कोटि वर्जित दुर्विज्ञेय इति अर्थ। फिलोसोफर लोग जट से वो है नहीं है इसमें लग जाएंगे, इसलिए वो दिखेगा नहीं, फिर अवृत हो जाएगा, इसलिए दूरदर्श है। मन को कितना फ्री रखना पड़ेगा इसके लिए वो दूरदर्श है, इसी भी प्री कंसीव्ड नोशन में पकड़ नहीं आएगा। सो कॉल्ड रैशनलिस्ट कहते ये झूठे वो झूठ है, उनका दिमाग उनके अटैचमेंट से चल रहा है। अतएव अति गंभीर, इसीलिए गंभीर है। उसमें प्रवेश दुष्प्रवेश महासमुद्रवत अकृत प्रज्ञा ही, एक जोड़ दिया उन्होंने अकृत प्रज्ञा, जिन्होंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया है अपने बोध को, उनके लिए महासमुद्र में घुसने के समान मुश्किल है, क्योंकि किसी को इम्पॉसिबल तो है नहीं। अजम साम्यम विशारदम, ये तीन स्टैंडर्ड शब्द है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए। इधर पदम अनानात्म नाना तो वर्जितम बुधवा अवगम्य, अब आचार्य बुधवा अवगम्य का अर्थ समझा रहे, तद्भुता संता वैसे हो गए आइडेंटिफाइड, उसके ब्रह्म तत्व को जान लिया मैंने, ब्रह्म हो गए। नमस्कुर्म तस्मै पदाय अव्यवहारम अपि व्यवहार गोचरम आपाद्य, ये व्यवहार प्रैक्टिकल नहीं है तो भी हम उसको सपना करके यथा बलम यथा शक्ति दिया, यथा शक्ति का। अब ये क्या होगा कि इस श्लोक के शब्दों की कमेंट्री आचार्य ने कर दी, तो इसके भाव की कमेंट्री नहीं हुई है। मैं महाज्ञानी लोग कैसे भक्तिपूर्ण हो जाते हैं, इसके लिए आचार्य ने तीन श्लोक बनाए। कोई देखा आचार्य के पास जो हेड में जाकर के प्रणाम कर रहे हैं? तीन श्लोक, पहला किसके प्रति है? ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म निर्गुण है ना, भक्ति कैसे करेंगे? अजम अपि जनि योगम प्रापर ऐश्वर्य योगा अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं यनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुक्ते क्षणानां प्रणत भय वियंत्रु ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ब्रह्म को जो प्रणाम करते उनका भय ब्रह्म निकाल देते। अजय होकर के भी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म लेते हुए दिखाई देते, प्राप्त ऐश्वर्य योग, ऐश्वर्य मने ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति से जो जनि योगम प्राप्त जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते हैं आज होकर के भी। अगति च गति मत्ता, यानी उनमें कोई मोशन मूवमेंट है ही नहीं, फिर पूरी दुनिया के मोशन मूवमेंट वही बने हुए, एकम अनेकम एक होते हुए भी, तो उतना कौन लेना है? ऐश्वर्य योगत, ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से आज होकर के भी जन्म लेते हुए प्रतीत होते, अगति होकर के भी गतिमान प्रतीत होते, एक होकर के भी अनेक प्रतीत होते। अब हम कौन है? विविध विषय धर्म ग्राही मुग्ध क्षणाना, विषय हमारे सामने बहुत सारे हैं, उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको ग्रहण करके हम मुग्ध हो गए हैं। ऐसे हमारे लिए वो ब्रह्म जो है, जो उनको प्रणाम करेगा उसको भय निकाल देंगे, यत यत ब्रह्म तन्न तो उसमें नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं नहीं, न तो अस्मि, जो हमने शुरू किया हमारा सिर झुक गया है। ये लो, ये गुणपादी का प्रणाम का ये हो गया, परंतु इतने से नहीं रुके,
दूसरा नमन किसके प्रति है? गोपाल जी के प्रति। प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधेर वेद नामनोंतरस्य भूतान्यालोक्यमग्नान् अविरत जनन ग्रह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धधारा अमृतमिदम अमरैर् दुर्लभम भूतहेतो यस्तम पूज्याभिपूज्यम् परम गुरु ममम् पादपातैर्नतोऽस्मि ये भी नतोऽस्मि। उनकी जो प्रज्ञा है अंतर्ज्ञान उनका वो वैशाख वैशाख मतलब शुद्ध बुद्धि है। वेद वेद माने मथनी मट्ठा बनाते तो मथनी चलते है ना, चर्निंग रॉड है उनकी अति पवित्र प्रज्ञा, ये चर्निंग रॉड है। और वेद ये दूध है मट्ठा है दही है जो भी बोलो, वेद नाम जिसका है उसके अंदर वो चलाई उन्होंने। क्यों चलाई? उन्होंने दुनिया के लोगों को देखा ये तो अविरत जन्म मरण के घोर समुद्र में पड़े हुए, उनके लिए उन्होंने अमृत निकाला। देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला था और वो अमृत पी करके वो देवता बनेंगे, पर इन्होंने ऐसा अमृत निकाला जो देवताओं को भी नहीं मिलता। कारुण्य से करुणा से उद्धार निकाला अमृतम इदम अमर दुर्लभम, देवताओं को भी नहीं मिलेगा ऐसा, भूत है तो लोगों के लिए। जिन्होंने ये किया वो पूज्यो के भी पूज्य, मेरे परम गुरु उनके पैरों में गिर करके मेरा नमस्कार। ब्रह्म के पैरों में नहीं गिरे क्योंकि निराकार चरण का बोले, पर यहाँ परम गुरु को पैरों में गिर करके मेरा नमस्कार है, मैं नमस्कार कर रहा हूं नहीं है इसमें। तीसरा ये सब है पर अपने गुरु के प्रति यत् प्रज्ञा लोक भाषा प्रतिहति मगमत स्वांत मोहांधकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे य सकृद उपजनो दन्वति त्रासने मे यत् पादौ आश्रितानां श्रुति शम विनय प्राप्तिरग्रे अयमोघा तत् पादौ पावनीयौ भवभय विमुदौ सर्वभावैर्नमस्ये। इनकी प्रज्ञा के आलोक में, इनकी प्रज्ञा के प्रकाश की चमक में मेरे अंदर का मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया। आचार्य शंकर बोल रहे मेरे मन अंदर का मोह रूपी अंधकार जिनके चमक से नष्ट हो गया, और मेरा क्या हुआ? मैं इस घोर समुद्र में हाबुड़ू ऊपर डूब रहा था, उछल रहा था, मज्जोन मज्जच घोरे असकृत उपजनो, असकृत मैंने बारंबार जन्म मरण मेरा चल रहा था, त्रासने में उसका त्रास हो रहा था मुझे। वो अहंकार उन्होंने काट दिया और मेरे जैसे उनके चरणों की जो भी शरण लेगा यत् पदो आश्रिता नाम उसको श्रुति मैंने वेदों का ठीक ज्ञान हो जाएगा, क्षमा मैंने आवश्यक सारे
अधिकारी है गुण उसमें आ जाएंगे। विनय, विनय माने, विनय माने नम्रता नहीं होती है, विनय माने कि एजुकेटेड आदमी का जो कैरेक्टर होता है उसको विनय कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान को कह रहे हैं यहां पर कि श्रुति शम विनय प्राप्ति, जो भी उनके चरणों की शरण लेंगे उसको अमोगा विदाउट फेल, उनके चरण अत्यंत पवित्र है, भव भय को नष्ट करने वाले हैं, मैं सर्व भाव से उनको मेरे जो होगा नहीं आज वो नहीं वाला था, डिक्लेयर कर दो लोगों के सामने। कल भी बोल रहे थे मैंने, कल तो रविवार है छुट्टी है, सोमवार से श्वेता शत्रु उपनिषद शंकर भाष्य हम लोग पढ़ेंगे। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य कारिका समेत भगवान की कृपा से आज समाप्त हो रहा है। ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये मक्षभीर्यजत्र स्थिरैरंगैः सुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।